ओके नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव दी आर्टिस्ट क्लब के कार्यक्रम खिड़कियों से झांकती कविताओं में आपका स्वागत है। खिड़कियों से झांकती कविताएं इसलिए, देश और दुनिया के हालात ठीक नहीं है तो घर से बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। कविता की दुनिया का एक परिचित और जाना पहचाना नाम है डॉक्टर कुमार मनोज। आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर कविताओं के लिए जाने जाते हैं। कवि होने के अलावा आप न जाने कितने अनगिनत कवि सम्मेलनों का संचालन करते आए हैं। डॉक्टर कलाम साहब के द्वारा भी आपको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी कई सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। आप एक जमाने से अपनी लिखी कविताओं, गजलों, गीत और मुक्तकों के द्वारा लोगों के दिलों को जीतते आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खिड़कियों से झांकती इस कविताओं में, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, मुझे इस आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके इस आर्टिस्ट क्लब में आकर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार साहब, हम आज कुछ बात करेंगे आपके जीवन के कुछ पहलुओं पर, आपकी कविताओं पर, आपकी गजलों पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आप एक छोटे शहर से ताल्लुक रखते हैं और बहुत मुश्किल होता है जब हम उस एक छोटे शहर में होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि किसी भी आर्ट की किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट कर पाना वहां के लोगों के द्वारा या हमारे या परिवार के लोगों के द्वारा कि आप इसमें जाइए। तो आखिरकार प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे कैसे आपको प्रेरणा मिली लिखने के लिए? देखिए राहुल भाई, दरअसल क्या है कि मैं छोटे शहर, क्या मैं एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखता हूं जिसमें 7-8 घर हैं अभी तक, मतलब एक बहुत छोटा सा गांव है। और ऐसा गांव है मतलब जहां पर कोई भी ऐसे विकास के बहुत साधन नहीं है। तो वहां से निकल के पढ़ाई करने के लिए जब शहर आया, तब से आप ये कह सकते हैं कि छोटे से शहर में रह रहा हूँ। तो मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली एक बहुत छोटे से गाँव से है। और रही बात प्रेरणा की, तो कई बार क्या होता है कि आपके सपने जो होते हैं वो सपने कोई परिधि तय नहीं करती, कोई ये आपका जो वातावरण है वो ये तय नहीं करता कि आप कहाँ तक जाएंगे। वातावरण आपको प्रभावित जरूर करता है, लेकिन कौन सी चीज आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिलता है, वो इंस्पिरेशन जो है वही आपको बड़ा करता है। तो मुझे इंस्पिरेशन, जैसे मैं कवियों को सुनता था तो अक्सर मुझे लगता था कि मतलब मैं यही करने के लिए बना हूं। तो जब मैंने अपने आप को पहचाना, फिर शिकवाबाद जब नारायण कॉलेज में पढ़ता था तो वहां एक प्रतियोगिता हुई जब मैं बीएससी पार्ट वन में था, तो वहां पर कुछ सिलेक्शन होने थे, एक यूनिवर्सिटी लेवल की प्रतियोगिता थी। तो उसमें मैं जब कविताएं पढ़ने गया तो वहां जो जज लोग थे उन्होंने मुझे अलग छांट के खड़ा कर दिया 25-26 लोगों के बीच से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे अलग क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी आए आप जैसी कविता इसमें कोई नहीं सुना पाएगा, ये मेरा अनुभव है पिछले 200 सालों का। तो मतलब तो मुझे लगा कि यार मतलब इस भीड़ में मेरी कविताएं कुछ खास है। तो वहां से मुझे लगा कि अगर मैं इस और उन्होंने एक बात कही, एक आरबीएस कॉलेज में है अभी प्रोफेसर शशिकांत पांडे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ये कविताएं आपने लिखी हैं बेटा तो तुम इस जन्म के कवि नहीं हो, मतलब तुम कोई पूर्व जन्म के कवि हो, क्योंकि एक लड़का बीएससी का इतनी मैच्योर पोएट्री नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं मतलब मुझे ईश्वर कुछ कराना चाहता है। तो इस वजह से हमने उस पर मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मतलब ये हुआ कि लोकप्रियता मिलती चली गई, धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बोला कि आप नारायण महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट वन में ये हिस्सा आपने लिया, तो किस ये किस सन की बात है, कब? सन 2001 की बात है ये। 2001 की सन 2001 2001 में मैंने वहां एडमिशन लिया था, और उस पहले वर्ष ही मैंने विश्वविद्यालय का जो काव्य प्रतियोगिता होती थी वो जीत ली थी। और पूरे विश्वविद्यालय लगभग 5 वर्षों तक मैं एक मतलब जीतता ही रहा हूँ, एक चैंपियन की तरह उसमें रहा हूँ। सारे 120-130 डिग्री कॉलेज जो आते थे आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन सब में मतलब एक महत्व था। तो उसी दौर में जब पढ़ते थे तभी ये कविताओं के चस्का लगना शुरू हुआ था। नहीं, मैंने आपको सुना, मैं गवाह हूँ इस बात का,
मैं गवाह हूँ इस बात का, क्योंकि मैंने ठीक 2003 या 2002 में मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज, तो उस वक्त आप मंच संभालते थे वहाँ पे, और उसके बाद हालांकि हमारी मुलाकात एक ग्रेजुएशन के बाद नहीं हो पाई, बहुत लंबे टाइम के बाद हम मिले हुए हैं आज। तो सबसे पहली एक बात यहाँ ये आती है कि ग्रेजुएशन के बाद या आपने स्नातक की पढ़ाई करी या स्नातक के बाद आपने जो स्नातक किया, उसके बाद जब आपने कॉलेज छोड़ा उसके कितना वक्त लगा आपको कि एक नई दुनिया थी वो, एक था कि चलो ठीक है आप कॉलेज में थे, आपने कविता पढ़ी। देखिए हाँ, देखिए उस समय क्या था कि कॉलेज का जो चीजें थी वो बिल्कुल अलग चीजें थी। कॉलेज में क्या था कि मिलना मिलना कुछ होता नहीं था, बस किराए के पैसे मिलते थे कॉलेज की तरफ से और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। कॉलेज से हालांकि लंबी यात्राएं तय की, काफी चीजें, राष्ट्रपति भवन तक का सफर कॉलेज से ही तय किया, बीएससी पार्ट 3 में उस समय था। तो एक मतलब एक अच्छा खासा अनुभव हो गया था मंच फेस करने का। पर जब ये सब वो करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद व्यवसायिक रूप से मैं इसमें आया, तो ये मुझे लगा कि मैं वहां पर एक तिनके के बराबर हूं। मैं जब उसमें घुसा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर काबिज बैठे हैं और उनमें एक जो गुरुडम वाली फीलिंग है वो है, और हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई गुरु होता था जिससे 2 मिनट बात कर लो वही चेला बना लेता था, मतलब इस तरह का जो, तो मतलब उसमें बड़ा तकलीफ। फिर उसके लिए वो बिल्कुल अलग दुनिया थी, वहां पर झूठ फरेब शोषण मतलब ये सब चीजें देखने को मिली। आप कुछ कर रहे हैं, कोई मीठी बातें कर रहा है, तो आपको मतलब अलग सा मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये हो क्या रहा है बेसिकली, मतलब समझ से परे ये चीजें थी। लेकिन धीरे 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 जब ये सब चीजें होती गई तो मुझे फिर अनुभव इसका हुआ, सीखने में थोड़ा वक्त लगा, और फिर एक वक्त वो आया कि मैं भी इसमें रम गया, चलने लगा। तो मुख्य धारा ना होकर हमने थोड़ी सी अलग सी राह बनाई, मुझे लगा कि मतलब जहां पर बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं और इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि वो इस दंभ में, इस घमंड में चूर बैठे हैं कि उनको लग रहा है कि वही हैं जो तय करते हैं, वही यहाँ पर किसी का भविष्य निर्धारित करते हैं। और मैं मुझे लगता था कि मैंने तो बहुत काम किया है, मैं इनसे बहुत ज्यादा अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ, तो मैं यहाँ सब क्या कर रहा हूँ। इसलिए फिर हम कोशिश करते रहे और एक नई धारा तैयार की। जी बात को, तो कुमार साहब मैं एक आपकी आपकी एक रचना है समुंदर बोल उठता है, अगर आप इजाजत दें तो 4 लाइनें मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी स्वागत बिल्कुल पढ़िए। वो 4 लाइनें हैं कि युगों का दर्द जब सीने के अंदर खोल उठता है, युगों का दर्द जब सीने के अंदर खोल उठता है, कहाँ तक छुप रहे आखिर समुंदर बोल उठता है, और इन आंखों में मचलता है अभी तक गांव का मंजर, ठिठोली रास्ते करते हैं और छप्पर बोल उठता है। तो हम चाहेंगे कि आप ये अपनी रचना खुद हमें पढ़ के, हमारे दर्शकों को पढ़ के खुद सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे मुंह से एक बहुत छोटी सी बात थी कि मैंने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो फिर अलग ही बात होगी। मैं इस समंदर बोल उठता है मेरा पहला गजल संग्रह था, और उसमें मेरे मन की बहुत सारी गजलें थी, तो मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। अब अचानक, अभी किताब तो मेरे सामने नहीं है लेकिन मुझे कुछ गजलें याद है, मैं वो सुना रहा हूँ। वो ये है कि डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले, डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। सही है, डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। और शेर ये हुआ कि इल्म दौलत के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ कटते हैं यहाँ ताज बनाने वाले। क्या बात है बहुत अच्छा। इल्म दौलत के लिए कुछ भी नहीं, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती है अमीरों के यहाँ। इल्म दौलत के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ कटते हैं यहाँ ताज बनाने वाले। और शेर उसमें यह था कि अब कहाँ जाके गमे हिज्र, गमे हिज्र होता है अपने मतलब पीड़ा का रोना, अपनी तन्हाई का रोना, अब कहाँ जाके गमे हिज्र का रोना रोएं, आज खुद रूठ गए हमको मनाने वाले। क्या बात है, बहुत खूब। आज खुद रूठ गए हमको, और तेरे मैखाने का दस्तूर अजब है साकी, खुद नहीं पीते हैं औरों को पिलाने वाले। क्या बात है,
बहुत बहुत सारी इसकी गजलें। एक ए, एक गजल और मैं, मुझे याद आ रही है कि वो ये है कि नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, बगीचे की हवा बारिश का पानी भूल बैठे। क्या खूब बहुत अच्छा। बगीचे की हवा बारिश का पानी भूल बैठे हैं, नदी को पार करने के लिए जब से बना है पुल तभी से लोग वो कश्ती पुरानी भूल गए। क्या बात है बहुत अच्छा। तभी से लोग वो कश्ती पुरानी भूल बैठे, शुरू जब से हुई मोबाइलों पर गेम की सुविधा, मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल। क्या बात, बहुत अच्छा, सही बात है। मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल बैठे हैं, कभी दौलत की चाहत में कभी शोहरत के लालच में, हम अपनी जिंदगी के असल मानी भूल बैठे हैं। बहुत अच्छा है। और उलझ कर रह गए हैं दाल रोटी के मसाइल में, जवानी में अभी हम अपनी जवानी बहुत अच्छा है। तो जिंदगी की बहुत सारी जो चीजें थी वो इन्हीं किताबों के जरिए निकली। जैसा जैसा मैं देखता गया वैसा वैसा कविताओं में आता गया। और एक गजल और उसकी मुझे अच्छी लगती है, वो ये थी कि अजब किस्मत है गद्दी पर वही सरदार बैठे हैं, हमारा सर कलम करने को जो तैयार बैठे हैं। क्या बात है बहुत अच्छा। अजब किस्मत है गद्दी पर वही सरदार बैठे हैं, हमारा सर कलम करने को जो तैयार बैठे हैं, किसी भी पल बगावत के लिए परचम उठा लेंगे करोड़ों हाथ जो इस मुल्क में बेकार बैठे हैं। क्या बात है बहुत अच्छा है। करोड़ों हाथ जो इस मुल्क में बेकार बैठे हैं, इधर सड़कों पर जनता आमरण अनशन पे बैठी है, उधर वो बंद कमरों में लिए अखबार बैठे। क्या बात है बहुत अच्छा है। उधर वो बंद कमरों में लिए अखबार बैठे हैं, मेरे चेहरे की झुर्री का न ये मतलब समझ लेना कि मेरी बाजुओं के हौसले बीमार बैठे हैं। क्या बात है, बहुत प्यार है। और इसका एक शेर था कि सभी को छत मुहैया करने वाले देख लें आकर, अभी पेड़ों के साए में कई परिवार बैठे। क्या बात है, बहुत अच्छा। अभी तो इस तरह की बहुत सारी गजलें, उसमें लगभग 70 गजलों का ये संकलन है। और तो मैं चाहूंगा कि एक, अगर कोई लिंक है अगर आपकी इस पुस्तक का तो वो उनको दिया जाए नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि वो पढ़ सकें उसको। जी बिल्कुल। तो कुमार साहब, एक चीज है, मैंने कहीं सुना था, मेरी बदकिस्मती कहूंगा कि मैंने आपको कभी क्योंकि मैं भी दिल्ली पहुंच गया, उसके बाद बेंगलोर आ गया, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको कभी कॉलेज के बाद सुन नहीं पाया लाइव कभी। तो लेकिन फिर भी मैंने कई बार वीडियोस में आपको सुना, जितने वीडियोस मैंने आपके देखे वहां पर, मैंने एक आपने किसी शहीद के लिए आपने कुछ कविता लिखी थी, मुझे उसके शब्द याद नहीं है पर वो बड़ी प्यारी थी, मतलब वो दिल में उतरने वाली कविता थी शहीदों के। जी मैंने मेरे जो उन दिनों का क्या अभी भी जो मेरा मूल स्वर था वो यही देश और शहीदों के लिए था, उसमें एक मेरी चार पंक्तियां थी जो बहुत पॉपुलर हुई, जो अक्सर आप किसी न किसी माध्यम से वीडियोस में सुनते देखते रहते होंगे। वो ये थी कि एक सैनिक का शव आया और राजनीति के बहुत सारे पत्रकारिता के प्रशासन के लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे, तो उसके दो बेटियां थी, वो अकेला लड़का था अपने पिता का, और उसकी शहीद की जो अर्थी थी वो वहां रखी हुई है, और उसकी विधवा जो है उस पूरे मजमे को पूरी भीड़ को देख रही है। तो उस वक्त एक कविता लिखी थी कि सो गया नसीब मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी गया हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। क्या बात है तो ये काफी ही पॉपुलर कविता, मतलब आप लेकिन मानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये जो मेरा बहुत बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी थी मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने इसलिए मैंने कहा कि मैं जरूर आपको बोलूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आप इसको एक बार बोलिएगा। तो इसके अलावा कुमार साहब, आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ अपनी और अपने तरफ से कुछ कविता या कुछ बोल लें? एक
एक इस समय मुझे थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है हल्का सा, तो मैं फिर भी एक कोशिश जी बिल्कुल मैं फिर भी एक गीत मैं सुनाना चाहूंगा जी जो मुझे मतलब काफी पसंद है, और आज के दौर में तो बहुत मतलब वो मौजू का गीत है इस समय का, वर्तमान दौर का, कि मतलब आज जो लोग यात्राएं बड़ी बड़ी तैयारियां करके शहरों के लिए निकले थे, आज वो गांव की तरफ लौट रहे हैं। बहुत उनको सही सही दुनिया का एक सच उनको दुनिया का एक सच समझ में आया कि अंततो गत्वा जाना वही है जहां से बिल्कुल आए हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल तो ये गीत मैंने वो गीत मेरा हुआ था, मुझे बड़ा प्रिय गीत है वो, सुनो। बहुत दिनों बाद इसको सुना रहा हूं तो मुझे नहीं लगता वो गले पे है, और इसमें थोड़ा सा कफ है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा चलिए चलिए बिल्कुल हूं। बिल्कुल गुल खिले आज मुरझाए कल, गुल खिले आज मुरझाए कल, टूटे सपनों के स्वर्ण महल, बरसे बादल फिर चले गए, हर बार नेहों में चले गए, सही बरसे बादल फिर चले गए, हर बार नेहों में चले गए, तिल तिल टूटे इस तन मन का, तिल तिल टूटे इस तन मन का, अब फिरते बोझ उठाए हैं, आ लौट चले उस बस्ती में जिस बस्ती से हम क्या आए बात है, हैं, क्या बात है, आ बहुत अच्छा लौट चले, बहुत अच्छा। तिल तिल टूटे इस तन मन का, अब फिरते बोझ उठाए हैं, आ लौट चले उस बस्ती में जिस बस्ती से हम आए हैं। छोटे छोटे गांवों से निकलते हैं हम लोग बड़े बड़े सपनों की तलाश में। बंद सुनना। बिल्कुल नन्हे पग थे पर लक्ष्य बड़े, कितने ही निर्णय लिए कड़े, जिस वक्त माँ के गोद की जरूरत होती है उस वक्त पढ़ाई करने के लिए चले जाते सही बात हैं। नन्हे पग थे पर लक्ष्य बड़े, कितने ही निर्णय लिए कड़े, हर नुक्कड़ पर संघर्ष मिले, हर नुक्कड़ पर संघर्ष मिले, केवल मुंह तक आदर्श मिले, सही बात जब दुनिया देखी तो बातों में आदर्श, हर नुक्कड़ पर संघर्ष मिले, केवल मुंह तक आदर्श मिले, जो शाह मिले ऊंचे ऊंचे, जो शाह मिले ऊंचे ऊंचे, वे भी झोली फैलाए हैं, आ लौट चले उस क्या बात है, बस्ती में जिस बस्ती बस्ती। से हम आए बढ़िया है, हैं, आ बढ़िया है। लौट चले, चल लौट चले। जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जिनको ये लगता है कि ये रिश्ते अब आखिरी सांस तक निभाएंगे, ये आखिरी रिश्ता है, इसके बाद जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इस गीत को मैं लिखते समय भी भावुक हो गया था और पढ़ते समय भी भावुक हो जाता, सुनेगा। उजले दामन में दाग मिले, कोकिल कंठी सब काग मिले, उजले उजले दामन में दाग मिले, कोकिल कंठी सब काग मिले, जिस जिसके भी आंसू पोंछे उसने ही बढ़कर पर नोचे, क्या जिस सही है, जिसके भी आंसू पोंछे उसने ही बढ़कर पर नोचे, सीने पर चट्टाने रख कर, सीने पर चट्टाने रख कर संबंध कई दफनाए हैं, हाँ लौट, हाँ कोई चले, रिश्ता एक बार में नहीं मरता है, कई बहुत बार बढ़िया, मारना पड़ता है, कई बार। एक सीने पर चट्टाने रख कर संबंध कई दफनाए हैं, आ लो चले उस बस्ती में जिस बस्ती से हम आए हैं, चल लो चले उस बस्ती में जिस बस्ती से हम आए हैं। अंतिम बंद सुनिएगा। किसी ने पूछा कि आपने कोई ऐसा दुनिया में नहीं मिला जिस पर कभी गीत लिखने का मन किया हो, जिसके ऊपर कविताएं लिखने का मन किया हो, एक आध लोग मिले, लेकिन मेरा अनुभव सुनिएगा। होठों ने जिनको गान दिए, झोली भर भर सम्मान दिए, होठों ने जिनको गान दिए, अंजुरी भर भर सम्मान दिए, उनके करतब खोटे निकले,
तिनके जितने छोटे निकले, तिनके जितने छोटे निकले उनके करतब खोटे निकले, तिनके जितने छोटे निकले। आंखों से नहीं नहीं हमने, आंखों से नहीं नहीं हमने अंतस से अश्क बहाए। आ लौट चले उस बस्ती में जिस बस्ती से हम आए। बहुत प्यारा गीत है। तो जीवन में इस तरह जी। तो कुमार साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला। हम इस लायक नहीं थे, पर फिर भी आपने इस लायक हमें समझा और आपने आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जो कुछ सृजन का काम करे, जो जोड़ने का काम करे, तो उसमें अगर आप दो कदम भी जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। मैं इस विश्वास पर, जो कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसके साथ में अगर आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है और आप अगर उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, तो आपको देना चाहिए। और ये हम सबको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, द आर्टिस्ट क्लब अच्छा काम कर रहा है, नई नई प्रतिभाओं को लाकर लोगों के सामने रख रहा है। तो इसमें मेरी थोड़ी सी एक ये हवन के रूप में एक आहुति है जो आपने मुझे आमंत्रित करके जो सौभाग्य प्रदान किया है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप प्रशस्ति स्टूडियो भी आप चलाते हैं, तो वहां भी आप, मुझे जहां तक मुझे पता है कि वहां भी आप नए लोगों को मौका देते हैं, नए युवाओं को जो अच्छे बहुत सारे कवियों को मैंने वहां मौका दिया। और वो सारे कस्बाई कवि छोटे छोटे शहरों से जो आते थे उनको मैंने लाकर और बड़े बड़े मतलब खूब सारे व्यूअर्स दिए हैं, लोगों में खूब पॉपुलैरिटी मिली है। तो अच्छा लगता है कुछ काम करते हैं। तो आपको लगा कि जो चीजें, जितना संघर्ष आपने किया और आपका ये प्लान, ये आपका प्रयास रहा कि आप जो छोटे गांव या छोटे शहरों से जो कभी थोड़ा मुश्किल रहता है बाहर निकलना या बाहर जाना, उनके लिए एक मंच आपने। देखिए राहुल भाई, क्या हुआ कि मुझे शुरुआत के 10-12 वर्ष संघर्ष में ही गुजारने पड़े। तो मुझे लगता था कि जब मैं जीवन में, अगर ईश्वर ने मुझे किसी लायक बनाया तो मैं इतना जरूर करूंगा कि अगर किसी आंखों में सपने हैं, अगर कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और अगर वो कभी मेरे इर्द गिर्द आ जाते हैं, कभी मेरी नजर में आ जाते, मैं उनके संघर्ष को इतना जरूर कर सकता हूं कि उनको तराश कर दुनिया के सामने रख सकता हूं, ताकि वो अपनी जो मंजिल में, जो दसियों साल पहचान बनाने में लग जाते हैं, वो पहचान वो मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना सके। इस तरह का मेरा अपना सोचना था। कुमार साहब, जो आप जो लिखते हो उसका उसका कुछ एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जो आपने लिखा, जो आपकी सूरत है वो आपकी सीरत भी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कि मैंने कई बार कई लोगों से बात की, मैंने पूछा मेरा आपसे ताल्लुक, जब मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा था तो उन लोगों से पूछा कि यार वो जो डॉक्टर कुमार मनोज है उनसे कैसे, मतलब हालांकि हम कॉलेज में हम जब जब आप उस मंच का संचालन किया करते थे उस टाइम हम ढपली जाकर गाना गाया करते थे या नाटक किया करते थे, तो लेकिन एक उतना टच बहुत लंबा गैप हो गया था हमारे बीच का। तो जब मैंने लोगों से पूछा, मैंने तो लोगों ने बड़ा ये कहा कि नहीं अरे अब तो वो बड़ा नाम है और आपके मतलब लगता नहीं है कि इस तरीके से संभव हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा, मुझे लगा कि नहीं यार अब इधर उधर से बात नहीं मिलेगी, सीधी बात की जाए। तो फिर जब मैंने आपसे सीधी बात की और जब मैंने आपसे कहा कि मैं राहुल बात कर रहा हूँ, राहुल श्रीवास्तव, जब आपने कहा कि वो ढपली वाले राहुल, तो सुनकर इतना ताज्जुब हुआ कि आप आज तक उस बात को याद किए, आज तक आपको वो चीज याद है। तो मतलब इतना प्यार, इतना बड़ा कद, देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जितना बड़ा कद आपका ऊपर है और उतना इंसान को नीचे होना चाहिए, वो आप थे, वो आपने साबित किया। मतलब मुझे लगा कि नहीं, मतलब आज अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नहीं, मुझे राहुल भाई, देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए या कुछ भी कर ले, और पहली बात, बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, मेरा मानना यह है बड़ा छोटा कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग कुछ काम करते हैं तो उस काम में थोड़ी सी लोकप्रियता मिल जाती है उसको जी। तो वह सारी लोकप्रियता के बावजूद वो इंसान जो कुछ उसने कमाया है वो बाद में है, पहले एक अच्छा इंसान है। तो उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतने बार मतलब दुनिया घूमी है, आप ये वो तमाम सारा किया है, आपको छोटे छोटे कार्यक्रम जब कभी कोई अपना मिल जाता है तो आप रिश्ता बनाने के लिए वहां चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास वक्त है और मेरा कोई अपना मुझे याद कर रहा है
तो मुझे उन खूबसूरत पलों को जी लेना चाहिए। तो मैं इसके लिए खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये पल मिल जाते हैं। आप जैसे ये, दोस्त, ये बिल्कुल, और मैंने ये बात इसलिए कही कि आप यकीन नहीं मानेंगे, आज आज मैं जिन लोगों से मिलता हूँ या जिन्होंने जिंदगी में, आप यकीन मानिए, बहुत कम लिखा है, बहुत कम लिखा है जी, और बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन आजकल क्या ना, आजकल का दौर ऐसा है कि जो वीडियो वायरल हो जाते हैं, मतलब आज अगर आप देखोगे तो बेतों के वीडियो, इनका जिनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है वो वायरल, और उनको जो फेम मिलती है, उस फेम को लेके वो जो घूमना शुरू कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो वाकई जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, तो वो चीज है। मतलब उस लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि इतना देखो क्या है, देखिए ये जो इस समय का दौर है, ये वो दौर है राहुल भाई, इस समय का जो दौर है ये वो दौर होता है जब आंखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं। अब अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं वायरल हो जाऊं या मुझे दुनिया देख ले, और उसको दुनिया ने देख लिया, तो उसको लगता है कि उसको उसकी मंजिल मिल गई है, तो वो एकदम से फिर क्या सोचता है कि जो उसको कुछ लोग ये सिखाते हैं कि अब तुमको अपनी स्टारडम मेंटेन करनी चाहिए, तो वो उस तरह की चीजें मेंटेन करना शुरू कर देता, और वो स्टारडम मेंटेन करते करते कब घमंड के रूप में आ जाता है, कब वो, तो वो समझ नहीं पाता और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। आप देखेंगे पिछले एक वर्ष में कई सारे वीडियो वायरल हुए जी, कभी फलाना अंकल आ गए कोई, कभी कोई आ गया, और फिर 6 महीने बाद बिल्कुल उनका कोई आता पता भी नहीं बिल्कुल, रहता बिल्कुल। है। तो ये क्या होती है, क्षणिक लोकप्रियता होती है, और इसको जो स्थायी मानते हैं वो लोग, उनमें अनुभव की बहुत कमी होती है मेरे भाई। जिंदगी में जिंदगी में आजकल मैं बैंगलोर में इंसान जी बताइए जैसे जब इंसान कोई काम करता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मेहनत करता है उसमें जो उसको अनुभव होते हैं, वो अनुभव ही उसको लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप बगैर किसी अनुभव के अचानक आपको फेम मिल जाती है तो आप फिर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। जैसे मैं आपको कई सारे उदाहरण बताऊं, मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई है सीमा परिहार जी अपने प्रशस्ति स्टूडियो से, तो वो बड़ा वो सारा बड़े ईमानदारी से चीजें संभालती हैं और चंबल से रिलेटेड जो चीजें हैं सब संभालती हैं। तो जो सीमा जी का मैं बिग बॉस में वो 12 हफ्ते रही, अचानक उनको बिग बॉस से ऑफर आ गया, बिग बॉस में वो चली गई, तो वहां पर एकदम से पूरी दुनिया में उनकी डिमांड हो गई, उन पर फिल्म बनी, फिर वहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे चूंकि उनको अनुभव उस दुनिया का था नहीं, तो लोगों ने वो सही बात कहती थी, जंगल बीहड़ में रही 14-15 साल, तो वो अनुभव वही था, तो वो उस चीज को नहीं भुला पाई और वापस लौटते लौटते फिर वही आ गई जहां से चली थी वो। बिल्कुल। तो बाद में जब उनको देखा तो फिर अब वो धीरे धीरे जब जिंदगी उन्होंने समझी तो अब वो अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम से जो वायरल चीजें होती वो एकदम से चली जाती है। बिल्कुल। टिकने के लिए आपका अनुभवी और संघर्षशील होना जरूरी है। मैं आजकल मैं मनोज भाई दक्षिण भारत में हूँ, बेंगलोर में मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर बड़े अच्छे लोग हैं कविता कहने वाले, मतलब आप यकीन मानिए बहुत ही कम उम्र के बड़े अच्छे गंभीर लोग, अच्छी गजल, अच्छे अच्छी नज्म, अच्छी गजल लिखने वाले, अच्छी कविताएं लिखने वाले, और मेरा कभी प्रयास रहेगा कि कभी मैं उनको एक मुकाम पर उधर नॉर्थ की तरफ लेके आ पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा माहौल। तो कुमार साहब, एक 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 लास्ट मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज के नए युवा कवियों को या नए शायरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए जिंदगी में जो कविता होती है वो हृदय से निकली हुई वो आवाज होती है जो आपके भीतर कुछ ना कुछ मंथन से निकलती है। आपकी जो कविता बहुत पॉपुलर होगी या जो कविता लोगों को याद रहेगी वो कविता होगी जो आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखी होगी, जो जिसमें आप शामिल होंगे, जिसमें बाजार शामिल होगा, वो बाजार के साथ आएगी, बाजार के साथ चली जाएगी। इसलिए कविता फिटिंग का काम नहीं होता, कविता फिट नहीं की जाती है, कविता बुनी जाती है, कविता को निटिंग कहा जाता है, मतलब बुनना। हाँ, वो जब आप गढ़ने लगते हैं तो फिर आपका एक अंदर से एक ऐसा वो बन जाता है कि वो कविताएं फिर यादगार हो जाती है। मेरी जो भी कविताएं बहुत पॉपुलर हुई वो कविताएं थी जो हमने रातों में जाग जाग कर, मतलब बहुत उनमें लिखी थी,
बाकी जो कविताएं आज इधर लिखते हैं इधर खत्म हो जाती हैं, तो बाजार का अपना है, लेकिन एक नए कवि को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुनियाद उसकी मजबूत हो। बिल्कुल, उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बगैर बुनियाद के कोई इमारत टिकती नहीं है। तो हवा में जो उड़ना है वो अलग बात है, लेकिन आपको मतलब धरातल पर रहकर अच्छी से अच्छी जो कविताएं पढ़नी चाहिए और फिर जो भाव आए उनको ईमानदारी से लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि पढ़ने के लिखने के साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है अनुभवी लोगों को, बहुत जरूरी। अच्छी किताबें पढ़ो। और देखिए एक बड़ी बात और, आपको क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी ये ध्यान रखना कि क्या नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी चीजें हैं कि आपको आपको जो पढ़ना है वो कलेक्शन आपका क्या होना चाहिए। आप अगर कचरा पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपके दिमाग से, तो आपकी पसंद कैसी, आप पढ़ना क्या चाहते, ये चीज ही आपके लेखन को तय करती है। आप अगर अच्छे पाठक हैं और अगर आप में सृजन की क्षमता है तभी आप अच्छे कवि हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कुमार साहब, मैं चाहूंगा कि एक अच्छा सा एक कोई शेर के साथ हम इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करेंगे। कोई एक शेर में चाहूंगा, चलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। शेर ये है कि मुसीबत में भी जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं, मुसीबत में भी जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं, कड़कती बिजलियों में आशियाने ढूंढ लेते हैं, सलीका जिंदगी का सीखना है उन परिंदों से जो कूड़े में पड़े गेहूं के दाने ढूंढ। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो ये थी डॉक्टर कुमार मनोज साहब की कविताएं, और इसी के साथ डॉक्टर साहब हम चाहेंगे आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप अपने अपनी मोहब्बत ही बनाए रखिएगा। जब भी अगर लोग उससे कभी दोबारा कहेंगे कि डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप, बिल्कुल राहुल जी और अंतिम बहुत अच्छा लगा आपके आर्टिस्ट क्लब में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप बेहतर करते रहिए और आप ईश्वर करे वो हर को मंजिल पाए जो आपने कभी अपने आंखों में संजोई हो। जी जी, शुक्रिया। तो इसी के साथ हम चाहेंगे विदा लेना, और मैं अंतिम संदेश यही है कि कोरोना के चलते देश के हालात ठीक नहीं है, विश्व के हालात ठीक नहीं है, अपने अपने घरों में रहें, घरों से कविताएं सुने, घरों से कविताएं करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया अमित भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद राहुल।